माँ तो सिर्फ माँ होती है, वह चेहरे को पढ़ने में एक्सपर्ट होती है, वह एक नज़र में पहचान जाती है कि बेटा खुश है या उदास। ममता की मूर्ति माँ का माँ बनना इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि माँ बनने के लिए माँ को अपने शरीर के साथ खिलवाड़ करना पड़ता है, तब जाकर माँ बनने का सुख मिलता है। फिर भी माँ कभी नहीं कहती कि बेटा मुझे सुखी रखना, माँ हमेशा ही कहती है कि बेटा तू जहाँ भी रहे सुखी रहे। ऐसी माँ का सम्मान और सुख सर्वोपर होना चाहिए। यदि इस दुनिया में खुशियों की कोई चाबी है तो वह माँ है। माँ हंसाती है तो दुनिया रुलाती है। यह दिल में सच्चे प्यार की आवाज़ सुनना है तो वह माँ की आवाज़ है। बेटा किसी के सामने हाथ फैलाए तो माँ को मंजूर नहीं, यदि माँ के आशीर्वाद का हाथ सिर पर हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। माँ का स्थान स्वर्ग से बढ़कर होता है, वह खुद भी है ईश्वर का रूप। जो घर स्वर्ग हो जिसमें स्वयं ईश्वर रूपी माँ की ममता हो, वहाँ कोई विपत्ति आई नहीं सकती है। माँ का प्यार करने का सलीका भी अद्भुत है दोस्तों। एक हाथ से रोटी खिलाती है तो दूसरे हाथ से ममता का थप्पड़। माँ सबसे ज़्यादा चिंतित होती है कि हमारे बच्चे कल क्या बनेंगे। बच्चों के भविष्य के चक्कर में वह यह भूल जाती है कि वह आज क्या है। भविष्य की चिंता करते करते वह चिता के तकरीबन नज़दीक पहुँच जाती है। ऐसी ममता की मूर्ति को प्रणाम। वह माँ ही होती है जो अपने बच्चों को सच्चे जीवन का पाठ पढ़ाती है। ऐसी ममता वही माँ हमेशा सच्चे प्यार और सम्मान की हकदार है। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी खुश और आनंदित रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।